शाजापुर जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब सुरक्षा में तैनात महिला गार्ड ने मरीजों के परिजनों से प्रवेश पास की बात को लेकर मारपीट कर दी। पूरी घटना की जानकारी लगने पर जब वॉइस ऑफ एमपी की न्यूज़ की टीम मौके पर पहुंची तो महिला गार्ड कैमरे के बचती नजर आई। महिला गार्ड जाते हुए ये है जिला अस्पताल में तैनात महिला गार्ड आशा विश्वकर्मा। आरोप है कि इनके द्वारा मरीजों के परिजनों से पास को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बड़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में महिला गार्ड डंडे से मारपीट करते हुए साफ देखी जा सकती है। परिजनों ने बताया कि प्रवेश पास की बात को लेकर महिला गार्ड इतनी बिगड़ गई कि उसने मरीज के परिजनों से मारपीट शुरू कर दी। अरे मैडम, आप थे क्या सुबह? ये आरोप लग रहा है आप पे? मैडम ये आरोप लगा रहे हैं आप पे? अरे ये आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अरे तो आप क्या कहेंगे, ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने मारपीट करी इनके साथ में। इनका कहना है, परिजनों का आरोप है कि पास को लेकर के आपने के साथ यानी इन्होंने ड्यूटी मार दी। मैं ओपीडी में ड्यूटी है मेरी, हटो ना भैया, वहाँ पे ड्यूटी थी, वो स्टोर रखा है वहाँ पे। भैया जुमा जट्टी कर रहे थे, गाली बक रहे थे, तो मैंने भैया से भी बोली कि क्यों भैया क्या के नहीं बोल रहा हो तुम, पास तो बनेगी, हम नहीं बन रहा, आप साहब से बात करो। तो मेरे को माँ बहन की गाली बकने लगी और तू तुकारे बोले। मैडम आपके बोल तो मारपीट हुई थी, मारपीट हुई थी। अरे पत्रकार है वो, आप ऐसा झूमा झटके नहीं कर सकते हो। आप झूमा झटके नहीं कर सकते, आप झूमा झटके नहीं नहीं तो आप झूमा झटके कैसे कर रहे हो आप? मतलब आप गलत हो, नहीं तो आप झूमा झटके कैसे कर रहे हो पत्रकार के साथ? एक लेडीज ने मारा ऊपर जाने के लिए, पास था मेरे पास, उसके बाद भी हत्या भी करी उनने, मारा कूटी भी करी, और लेडीज ने मारा और दो गार्ड ने मारा मेरे को, और मम्मी भी आई बीच में, तो मम्मी को भी मारा लेडीज ने। डॉक्टर भी नहीं है कोई, एक्टिव कुछ कोई भी नहीं है। एक्शन लेने के लिए तैयार? क्या कारण रहा मारपीट का? ये ऊपर जाने के लिए पास था, हमारे पास था, हम डिलीवरी कराने आए थे पास से। हमारे पास कहाँ से आए? मक्सी से आया। पानी गर्म करके जा रहे थे, मेरे पास पास नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलती, इसके पास थी। तो मैंने कि भैया एक तो फ्री रहते हैं, एक डिलीवरी के साथ, और तो मैं नहीं थे माता जी। तो ये भैया के ये कहें मम्मी देखकर जाए तुमको, तो इसके धक्का पकड़ लिया, धक्का दे दिया। कहने कहें माता जी तुम्हारे पास बना के लाओ, तो उनके भैया हम ला देंगे, मैंने यही बोली उनके, ला दूँगा भैया। तो इतना इनने तो गाली गुप्ता करने लगी है, तो इनने गाली गुप्ता भी करी है, इसने बोला। फिर वो दूसरे आए थे, उन्होंने मैडम आई तो दंडक देने लगी, इसको मारने लगी, मैं खुद दो दंडक दे दी। मैंने कि मैडम तुमको मत मारो, तुमको समझा, आप बात तो सुनो मेरी, मन की हमने गाली गुप्ता नहीं दिया है, हमारा लड़का ने नहीं दिया, ना हमने गलती कर दी, हमारी हो गई तो हम बना लेंगे पास, यही बोली हमने। तो इतना मतलब मेरे को भी दंडा दे देने, तेरे को बगान दारू पी के आ गए, तो दारू पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, मुझे दारू वाला का निकालो दारू। आज सुबह ही कुछ एक मामला सामने आया है जो कि पास के रिगार्डिंग हुआ है। हमारे अस्पताल ने पास वाला सिस्टम लागू किया है ताकि बच्चों की चोरी या फिर कोई भी दुर्घटना घटने से घटे हो उसको पहले रोक लिया जाए, लेकिन आज शायद परिजनों के पास पास होने के बावजूद भी शायद कुछ इशू रहा कि क्यों किस कारण से ये मामला बड़ा है। तो इसकी सूचना सिविल सर्जन महोदय को भी दे दी गई है और इसकी एक जांच कमेटी बिठा दी गई है जिसमें 3 डॉक्टर को रखेंगे, और बाकी परिजन अभी मेरे साथ में ही है, वो इनका भी मत लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ रहा। गार्ड लोग हैं उनसे भी मत लेंगे कि उन्होंने ऐसा मिसबिहेव क्यों किया, क्या कारण रहा, क्योंकि उनके द्वारा किया गया कार्य कथा भी मतलब मारपीट कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती, तो जो भी कारण रहा उसकी जाँच की जाएगी। ये मामला जब भगदड़ मच रही तभी मेरी नज़र में आया और मैं जल्दी से यहाँ आके अपनी प्रेजेंस शो करी और मामले की जांच में करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी रहेगा सामने वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाए। इसका कारण आपके लिए और मेरे लिए भली भांति सभी के सामने है कि ये एक सरकारी अस्पताल है और जहाँ मरीज लोग काफ़ी परेशान होकर आते हैं, तो एक स्पेशल केयर के साथ ही इनको ये साथ डील की जाना है जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। अस्पताल प्रबंधन अपनी तरफ से एक केयर के साथ पेशेंट को डील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि इतने बड़े मास को हैंडल करना, कहीं ना कहीं साल भर में एक दो घटना ऐसी हो जाती है जो कि अप्रिय रहती है और नहीं घटित होना चाहिए, जिससे कि परिजन भी दुखी होते हैं
और मैं शाहजहाँपुर से, तो मुझे अपने आप में भी काफ़ी दुख लगता है। संबंधितों को सिविल सर्जन महोदय के द्वारा जिसे भी आदेशित किया जाएगा सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद जो भी मामले की स्थिति सामने आएगी उस हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सिविल सर्जन महोदय इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और काफ़ी हद तक अगर हमारे गार्ड द्वारा कहीं मिसबिहेव किया गया तो ठेकेदार को इन्फॉर्म करके दूसरे गार्ड की नियुक्ति की जाएगी। शाहजहाँपुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।